नमस्कार, मैं हूँ भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज की कुछ मुख्य समाचार। मंगलौर के बाद अब भगवानपुर के सिसोना में मची हाहाकार। मंगलौर गैस विस्फोट के बाद अब भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिसोना गांव में एक ही परिवार के 6 लोग सिलेंडर फटने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिसोना में गए रह रहे एक श्रमिक परिवार का है। आज सुबह लगभग 7 बजे श्रमिक परिवार गृहिणी नाश्ता बनाने जा रही थी, तभी अचानक पास के सिलेंडर में आग लग गई। इससे पहले परिवार के लोग को समझ पाते तब तक आग पूरी तरह कमरे में फैल गई। परिवार के लोग शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के पड़ोस के लिए इकट्ठा हो गए। आसपास के लोगों ने मकान का गेट तोड़कर घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस को पूरे मामले की सूचना भी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय निवासियों ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर उन्हें रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया। रुड़की सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। आग में झुलसने से प्रदीप नाम व्यक्ति व उसकी पत्नी मीना और 4 बच्चे घायल हो गए हैं। प्रदीप उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले का बताया जा रहा है। वहीं सीओ मंगलौर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि गैस लीक होने के कारण यह हादसा हुआ है। आज सुबह जब श्रमिक परिवार कंपनी जाने के लिए सुबह में नाश्ते की तैयारी कर रहा था, जैसे ही महिला ने गैस सिलेंडर माचिस लगाई वैसे ही गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना जिंगरा साहब के हिंदुस्तान न्यूज 24 की खास खबर। 7 बजे की घटना है जब हमें सूचना मिली। ये प्रदीप नाम के व्यक्ति हैं जो कि अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें इनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं, ये यहाँ रह रहे थे। किसी कारण से सुबह ये लोग, इनकी पत्नी उठी और वो नाश्ता बनाने का प्रयास कर रही थी, उसी में दूसरा सिलेंडर भी था इनके द्वारा, ये बताया जा रहा है, जिसमें रिसाव हुआ, इनको पता नहीं चला और उसी में जो है इन्होंने माचिस की तिल्ली जलाई, अचानक ये हादसा हुआ। परिवार के सभी सदस्य इनकी पत्नी को छोड़ करके बाकी इनके 4 बच्चे और इनकी इनके पति घायल हैं, झुलसे हुए हैं। अंदर भी सामान काफ़ी झुलसा पड़ा है और अभी ये सभी लोग सिविल अस्पताल रुड़की में एडमिट हैं।